नमस्कार, ये तस्वीरें देख रहे हैं बड़ा गांव के पास से। किस तरह से देख सकते हैं, एक जबरदस्त अभी से कुछ ही समय पहले एक एक्सीडेंट होता है जिसमें आप देख सकते हैं एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जो कंटेनर वाला ट्रक है उसका आमने सामने कहीं ना कहीं टक्कर हो जाती है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करें। देख सकते हैं किस तरह से ये ट्रैक्टर जो है वो बच जाता है और ट्रॉली किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। ट्रॉली के हालात आप देख लीजिए, कितना जोरदार ये हादसा रहा है, और देख सकते हैं किस तरह से पूरी सड़क इस तमाम जो ब्लॉक है वो हो जाती है। कुंजपुरा थाने से पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। अब ये ईआरवी आप देख सकते हैं डायल 112 को जैसे ही जानकारी मिलती है, डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। और ट्रक के हालात आपको दिखा देता हूं, ट्रक के जो सवार थे हालांकि वो मौके से भाग जाते हैं। देख सकते हैं ट्रक भी बिल्कुल खत्म हो चुका है, ट्रक एक तरफ से आपको देख लीजिए बिल्कुल खत्म नजर आ रहा होगा, चिथड़े उड़ जाते हैं कैबिन के, ड्राइवर की सीट ही गायब हो जाती है। जी हाँ, बड़ी खबर करनाल के बड़ा गांव से दिखा रहा हूं, देख लीजिए क्या हालात बन चुके हैं इस ट्रक के। जो बताया जा रहा है चालक थे वो भाग जाते हैं। ये बड़ा ट्रक है, किस तरह से ये पेड़ के अंदर जाकर रुकता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच जाती है। जाम की स्थिति जरूर बनी हुई है। गाड़ी वाला एक भैया, आप कौन सी गाड़ी में थे, क्या हुआ था? कुछ नहीं जी, आगे ट्रॉली आ गया, बस थोड़ा सा साइड लग गया, बस उधर खिसक गया जी। बहुत जोर का टक्कर लगा हुआ है तो? हाँ, जोर का टक्कर, फिर उधर भाग गया स्टीयरिंग, बस उधर खींचा गया। तो कहाँ गए चाले, चलाने वाले कहाँ गए? वो सारे भाग गया जी, सारे भाग गया। आपको चोट लगा है? हाँ, चोट चोट लगा हुआ है। कहाँ का लगा हुआ है? यहाँ लगा है, यहाँ लग रहा है जी, यहाँ लग रहा है बस। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस का इंतजार किया जा रहा है, चोट लगी हुई है। हालांकि मौके के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। भैया क्या बात हुई थी, कैसे हुआ? अचानक हुई जी, हमें इसी पता है, पीछे थे ट्रैक्टर के। क्या आमने सामने टक्कर? हाँ जी, आमने सामने हुई, बस ना ट्रैली साइड में थी ना गड्डी साइड में थी, दोनों एकदम भिड़े, दोनों एकदम। बहुत जोरदार हादसा हुआ, जोरदार वो गड्डी वाले बाज गए, बस बाज गए। हाँ जी, आप देख सकते हैं बहुत जोरदार हादसा है। जी हाँ, बहुत जोरदार हादसा है। इसके अंदर शायद पराली भरी हुई थी, ट्रैक्टर के अंदर शायद पराली भरी हुई थी। मेरे आप शेयर जरूर करते रहे। किस तरह से देख सकते हैं पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच जाती है, हालांकि एम्बुलेंस बुलाई गई है। एक जो लेबर है कहीं ना कहीं ट्रक की, उसे यहां से भिजवाया जा रहा है क्योंकि चोट लगी हुई है, देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर। मेरी आप सभी से अपील है इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। करनाल के बड़ा गाँव के पास देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त हादसा जो है अभी अभी कुछ ही समय पहले होता है। देख सकते हैं यहाँ से अब किसी गाड़ी में भिजवाया जा रहा है लेबर को, किसी गाड़ी में भिजवाया जा रहा है। अब देख सकते हैं फिलहाल जो लेबर थी उसे यहां से भिजवाया जा रहा है, और बहुत जोरदार हादसा देखने को मिला है। जी हाँ, आपको फिर से उस ट्रक के हालात दिखा लेता हूँ। ये ट्रक के हालात आप देख लीजिए क्या बन चुके हैं, एक तरफ से पूरा कैबिन ही बिल्कुल अलग हो जाता है, और ड्राइवर की सीट भी पीछे आपको पड़ी हुई नज़र आ रही होगी, देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर। ये जो ड्राइवर सीट है यहाँ से उतर कर कहाँ से देख सकते हैं गिरी हुई आपको नज़र आ रही होगी। ये तस्वीरों में देख लीजिए किस तरह से ये ट्रक के चिथड़े एक तरफ से उड़ जाते हैं, उसके बाद ट्राली का भी काफ़ी नुकसान आया। पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच जाती है, ईआरवी मौके पर पहुंच गई थी, कुंजपुरा थाने से पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। फिलहाल चालक जो है दोनों ही यहां पर नहीं मिले, फिलहाल एक जो लेबर है, लेबर जरूर मिली थी, उसे भी कहीं ना कहीं चोट लगी हुई थी, उसे यहां से अस्पताल में इलाज के लिए जरूर भिजवा दिया गया है। फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों की आमने सामने टक्कर हुई है। जी हाँ, दोनों की आमने सामने टक्कर हुई है। ट्रक के पार्ट आपको दिखा देता हूं किस तरह से दूर दूर तक बिखरे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। जी हाँ, दूर दूर तक आपको बिखरे हुए नजर आ रहे होंगे। आइयो मौके पर हैं, यहां पर जांच करते हुए नजर आ रहे हैं, तफ्तीश करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं ट्रक के पार्ट, ये ट्रक के पार्ट कैबिन की खिड़की देख सकते हैं, ये निकल कर कितनी दूर गिरी हुई है। ये देख सकते हैं जो ड्राइवर की खिड़की थी, ये सीट देख सकते हैं अंदर की, दूर दूर तक ये देख सकते हैं सामान बिखरा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। और ये करनाल नंबर ही ट्रक है, HR 45A 9984 ये ट्रक का नंबर है। हालांकि ट्रैक्टर यहां पर नहीं मौजूद, ट्रॉली
जरूर मौजूद है। डायल 112 की टीम थाना कुंजपुरा से पुलिस मौके पर है, देख पा रहे हैं ट्राली काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई है, ट्राली आगे से ट्राली भी क्षतिग्रस्त हो जाती है, शायद ट्राली का ही ये कोना जो है उस ट्रक के साथ आमने सामने लगता है। ये ट्रक की अगली ग्रिल, ये देख सकते हैं ट्रक के सामान यहाँ पर भी बिखरा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख सकते हैं सारा का सारा जो ट्रक का सामान होता है वो दिखेगी, ये सिलेंडर तक यहाँ पर बिखरा हुआ है। सर ये बैग पड़ा है, इसमें देख लो कोई आईडी वीडी ना उनकी, ट्रक वाला है नहीं वो तो ले गए ना उसको, अब देख सकते हैं ये सामान जरूर यहाँ पर बिखरा हुआ है, बैग भी यहाँ पर पड़ा है और ट्रक वाले मौके से जरूर भाग जाते हैं। फिलहाल एक लेबर वाला जरूर मिला है, उसे भी चोट लगी है, उसे तुरंत उपचार के लिए यहाँ से भिजवा दिया गया है। कुंजपुरा पुलिस मौके पर पहुंची थी, ये देखिए किस तरह से इसके अंदर शायद तूड़ी थी, ये भरी हुई ये ट्रक के अंदर किस तरह से तूड़ी भरी हुई थी आमने सामने की गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जो है जीरी का छिलका है। जी हाँ, जीरी का छिलका भरा हुआ है, ये ट्रोला जो था कंटेनर इसके अंदर जीरी का छिलका भरा हुआ है, आमने सामने टक्कर हुई। अब कारण क्या रहे फिलहाल वो पुलिस जांच जरूर कर रही है, मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। फिलहाल आप देख पा रही हैं तमाम लोग यहां पर मौके के भी मौके पर हैं, बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बाप का नाम मोहित कुमार, मोहित सिंह, मोहित बाप का नाम जर्नैल सिंह, गांव चुगामा, गाँव चौगामा। आपका मोबाइल नंबर क्या होगा? 80-65। आप देख सकते हैं राग गिरोह के जो नंबर हैं वो पूछताछ जो है राग गिरोह से की जा रही है कि हादसा किस तरह से हुआ। देख सकते हैं ट्राली भी एक तरह से किस तरह से इसके जो लोया मजबूत लोया होता है वो भी कितनी पीछे तक जा चुका है, ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के बड़ा गांव के पास किस तरह से देख सकते हैं एक ज़ोरदार हादसा जो है वो देखने को मिला है। हालाँकि ट्रैक्टर ट्रॉली वाले यहाँ पर नहीं मौजूद, जी हाँ ट्रैक्टर ट्रॉली वाले यहाँ पर नहीं मौजूद हैं। हालाँकि अब ट्रैक्टर कहाँ गया फिलहाल इस चीज़ की अभी पुलिस जांच जरूर करेगी। फिलहाल आपको बता दूं जो ट्राला था, जी हाँ जो कंटेनर था वो यहाँ पर मौजूद है, हालांकि ट्रैक्टर ट्रॉली वाले यहाँ से कहाँ चले गए, उन्हें चोट थी या उपचार के लिए चले गए, फिलहाल वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ट्रैक्टर तो पता नहीं अगे था, ट्रैक्टर तो चला गया एकदम, वो भी बंदा अच्छा मैं भी बाज गया मेरे अंकों का, मैं रुके मैंने 112 पर फोन करे एकदम, क्योंकि मैं भी बच गया, मैंने एकदम खेत का निवाड़ी मोड़ा था, नहीं थोड़ी पीछे था मैं भी, वैसे ट्रॉली के मैं भी पासिंग करने कर, आप अकेले थे बाइक पे? मैं तो कल ले ही था। चलो ठीक है, थाने में भी पता नहीं। हाँ जी ठीक, वो तो इनका बंदा है लेबर वाला हो गया, उससे पूछ लो भी किसकी गलती है, वो तो बता ही देगा। आपके सामने हुआ था भैया? हुआ तो मेरे सामने। क्या हुआ था, क्या देखा आपने? भाई करनाल से तो ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहा था और बड़े गांव से ये गेट्स की तरफ से ट्रक आ रहा था, तो आपस में मैं पीछे था ट्रॉली के, तो एकदम टक्कर हुई आपस में, तो मैं भी बच गया, तो मैं साइड में था, तो एकदम नहीं आगे कुछ नहीं था, एकदम ही टक्कर हुई, पता नहीं ट्रॉली की चोट ज्यादा थी, पता नहीं क्या था, करने के चक्कर में हुआ। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो पीछे ही था। नहीं नहीं ये ट्रक और ट्रॉली आमने सामने भिड़े हैं ना? नहीं नहीं ट्रॉली अपनी साइड में, ट्रक अपनी साइड में, पता नहीं साइड लगी इसमें, जब भी तो एक साइड खत्म हुई उसकी ट्रक की, उसकी ट्रक की भी नहीं आगे कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, ये तो लाइट लूट को आया इनका, कुछ पता नहीं क्या होया, ऊपर लाइट ऊपर लाइटें भी नहीं है। हाँ लाइट का तो है नहीं, तो व्हाइट पट्टी तो लग रही है, वो तो कुछ का तो कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं शायद लाइट ना लाइट आंखों में पड़ने के कारण ये हादसा हुआ हो, फिलहाल अब पुलिस जांच जरूर कर रही है। जी हाँ जिन्होंने 112 पे फ़ोन किया था उनसे भी पूछा जा रहा है, जिस तरह से आपको मैंने ट्रक के हालात दिखाए, जी हाँ ट्रक के चिथड़े चिथड़े आपको बिखरे हुए यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, देख सकते हैं ये सारा सामान जो है वो इस बड़े कंटेनर का है जिसमें जीरी का छिलका लोड था, कहाँ जा रहे थे इस चीज़ का अभी नहीं पता लग पाया, कैसे हादसा हुआ ये भी नहीं अभी पता लग पाया, जांच जरूर कर रही है पुलिस, पुलिस तथ्यों पर जुटाने का प्रयास कर रही है ताकि जल्द से जल्द जो उचित कार्रवाई हो वो की जा सके। चलो चल 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 चल।
ट्रक के हालात फिर से आपको मैं दिखा देता हूं। जी हां, ट्रक के हालात फिर से दिखा देता हूं। देख सकते हैं किस तरह से ये ड्राइवर की सीट है। जी हां, ड्राइवर की सीट किस तरह से निकल कर पीछे पहुंच जाती है। ये ज़बरदस्त हादसा अभी कुछ ही समय पहले बड़ा गांव के पास देखने को मिला है। जी हां, बड़ा गांव के पास ये देखिए, ये बड़े कंटेनर के जो कैबिन है उसका कैबिन किस तरह से, जिसके चिथड़े उड़कर सड़क पर बिखरे हुए नज़र आ रहे होंगे। ड्राइवर सीट ही नहीं आपको नज़र आ रही होगी, देख सकते हैं चद्दर तक फट जाती है। ये जितनी मजबूत चद्दर होती है, ये एंगल तक किस तरह से यहाँ से फट जाते हैं। अब क्या यहाँ पर लगा वो ट्रैक्टर वाला सुरक्षित है या नहीं, वो अभी पुलिस ज़रूर जांच करेगी। फिलहाल आपको बता दूं, मौके पर कोई नहीं मिला, मौके पर सिर्फ एक लेबर मिली है जो इस ट्रक के अंदर थी, इस कंटेनर के अंदर थी। तमाम पुलिस की टीमें मौके पर हैं। जी हाँ, पुलिस द्वारा जो है अब तथ्य जुटाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो उचित कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जाए। देख सकते हैं ऐसे आसपास देखा जा रहा है, कोई चोटिल तो नहीं पड़ा हुआ, पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है, आसपास कोई खेतों में तो नहीं है। फिलहाल बताया यही जा रहा है कि जो ट्रक वाले थे वो मौके से चले जाते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले भी मौके से चले जाते हैं। पुलिस मौके पर है। अब जो सर क्या पता लगा था क्या हादसा हुआ है? अभी 10 मिनट पहले 112 ही कॉल आई थी, पता लगा था कि गेट के पास एक्सीडेंट हो रहा है। जी जी जी। तो जैसे ही मौके पर पहुंचे हैं, एक ट्रक है जिसमें तूड़े का इसका जीर का छिलका भरा हुआ है जी। और गिड़ की तरफ से आ रहा था जी अपनी साइड में, और बड़ा गांव की तरफ से एक ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसमें कुछ गन्ने बचे हुए हैं, वो गिड़ की तरफ जा रहा था जी। तो उसके पीछे पीछे एक बाइक वाला है, उसने बताया कि पता नहीं अचानक कुछ ट्रॉली का कुछ हिस्सा उसमें भी डहा, कुछ इसमें भी डहा, तो दोनों टकरा के एक बाई साइड में संतरों में चला गया और एक राइट साइड में चला गया। अभी जानी नुकसान कोई इस तरह का है नहीं है, चोटिल है एक इसका ट्रक की लेबर चोटिल है, तो उसको इलाज के लिए पहुँचा दिया है, बाकी कार्रवाई जारी है। तो जैसे ट्रक का पता लगा कौन था मालिक वगैरह का पता लगा? ट्रक का नंबर है 4454A9984 10 टायरा है ये। अभी इसका अथॉरिटी से पता करवा के मालिक का पता लगवा लेंगे। चालक वगैरह नहीं पता लगे? चालक वगैरह मौके से फरार है। और ट्रॉली वाले भी चले गए यहाँ से? ट्रैक्टर ट्रॉली वाला भी यहाँ से चला गया, सिर्फ एक लेबर का आदमी मिला था, उसको थोड़ी बहुत चोट थी, उसको हॉस्पिटल पहुँचवा दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से कुंजपुरा थाना तुरंत मौके पर पहुंचती है। जैसे ही डायल 112 से जानकारी मिलती है, उसके बाद कुंजपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है, एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल यहां से उपचार के लिए ज़रूर भिजवा दिया गया है, जो चोटिल था उसे उपचार के लिए ज़रूर भिजवा दिया गया है। पूरी देख सकते हैं जीरी का छिलका सड़कों पर, और जो ट्रक के पार्ट्स है किस तरह से आपको बिखरे हुए यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। बहुत ज़बरदस्त हादसा हुआ है जी, यहाँ काफ़ी ज़ोरदार टक्कर रही ये ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ, देख सकते हैं ये ट्रॉली और ट्रैक्टर के हालात आप देख लीजिए। ट्रैक्टर ये ट्रॉली ये सीट आप देख सकते हैं, ड्राइवर की सीट थी, किस तरह से निकल कर चिथड़े उड़ जाते हैं एक तरफ के। जी हाँ, ये देखिए खिड़की जो है, खिड़की भी आपको दिखा देता हूँ, ये ड्राइवर साइड की खिड़की है, और साथ ही साथ देख सकते हैं सभी के सभी जो पार्ट्स हैं वो बिखरे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। पुलिस की तमाम टीमें मौके पर हैं, जैसे ही पता लग रहा है वैसे वैसे टीमें यहाँ पर पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं, और जल्द से जल्द इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी और ट्रक को भी यहाँ से साइड पर करवाया जाएगा ताकि और कोई हादसा ना। यहां पर लाइट बिल्कुल नहीं है, इस रोड पर स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं है, कहीं ना कहीं देख सकते हैं अब हादसा शायद लाइट की वजह से ना हो, आंखों में लाइट पड़ी हो, ऐसा भी हो सकता है कि लाइट की वजह से हो। फिलहाल अभी स्पष्टीकरण नहीं हो पाया इस चीज का कि कारण क्या रहे एक्सीडेंट के। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। फिर से पुलिस से जानकारी ले लेते हैं। चलो फिलहाल अब साइड पर करवाए जाएंगे दोनों वाहन, क्योंकि और हादसा ना हो जाए। हादसा ये यहाँ पर आपको बता दूँ, लाइट नहीं है, लाइट ना होने के कारण भी हादसे यहाँ पर बहुत होते हैं। ये लाइव तस्वीरें करनाल के बड़ा गांव के पास आप देख पा रहे हैं। पुलिस की तमाम टीमें जैसे ही जानकारी मिलती है मौके पर पहुँचती हैं। अब यहाँ से वाहन दो हैं, दोनों साइड पर करवाए जाएंगे। देख सकते हैं पूरी सड़क पर आपको जो जीरी का छिलका है वो बिखरा हुआ आपको ज़रूर नज़र आ रहा होगा। अपील आप सभी से करूँगा, इस वीडियो को देखिएगा जरूर, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।